गुड मॉर्निंग, आज हम आपको यहाँ पे जो सारे एनिमल्स हैं सबसे मिलवाएंगे। ये लूना, ये लॉकडाउन से पहले सर्जरी के लिए आई थी, इसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब ये अडॉप्ट हो चुकी है यूएस में और हम बस वेट कर रहे हैं कि कब ये दिल्ली जाए और कब ये वापस वहाँ से अमेरिका जाए। ये जीनत है, जीनत का हमने वीडियो किया था, जीनत को डॉक्टर स्मृति शर्मा ने रेस्क्यू किया था एंड अब ये भी ठीक हो गई है, ये भी यूएस जाने की वेट कर रही है। ये हेजल है, हेजल प्रतिभा यहाँ लाई थी, प्रतिभा धर्मशाला एनिमल वेलफेयर एनिमल रेस्क्यू की डायरेक्टर हैं। तो ये तीनों जो हैं ये यूएस जाने की वेट कर रहे हैं और पहले क्लिनिक में दो बिल्लियाँ हुआ करती थी। कैन यू ओपन द डोर प्लीज, थैंक यू। क्लिनिक में दो बिल्लियाँ थी, क्रिस्टोफर वॉकिन एंड गोटी। अब आप देखेंगे आज वो दोनों ही नहीं है, दोनों ही ठीक हो गई हैं। जो क्रिस्टोफर वॉकिन है, नीमा करके जो वॉलेंटियर हैं वो उसके केयर में रिलीज कर दी गई है और गोटी को रवीना ने अडॉप्ट कर लिया है। ओह, ये मीमी है, मीमी का आपने कल स्ट्रीट फाइट वाला वीडियो देखा ही होगा। ये रहा ये रही डार्क चॉकलेट, काफी शर्मीली बेटी जी। उसके बाद मैं आपको डार्क चॉकलेट की मॉम से मिलवाता हूँ, अमूल। हनुमान जी को तो आप सभी जानते हैं। इस समय अब क्या हुआ है, हमारा काव शेड हद से ज़्यादा क्राउडेड है और सारे जानवर एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं और बारिशें हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये जो बैल है ये परसों ही आया है, इसकी पूंछ किसी ने काट दी है। अब बताइए, और लोग कहते हैं कि डेयरी के लिए क्रुएल्टी नहीं होती, मतलब लोग गुस्से में क्या कुछ नहीं करते जानवरों के साथ। ये विनी है, विनी को हम फॉस्टर कर रहे थे और अब ये भी अडॉप्ट हो गई है, ये भी अमेरिका जा रही है। थैंक्स बेटी जी वंस अगेन। ओके, आगे चलते हैं। ये सीता है, तो अब हम लोग इनको दूध पिला रहे थे पर अब डॉक्टर सोबती जो है शाहपुर में, उनका कहना है कि अब आप दूध पिलाना इनको बंद करिए, इसकी वजह से इनकी जो थोड़ी ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इनकी अपनी माँ का दूध नहीं है और इनको हरे घास पे शिफ्ट करिए। पहले हमें बताया गया था कि हरे घास की वजह से इनको लूज मोशन है। खैर, ये रहा गुरु। आज गुरु भी छोटे बच्चों की तरह अपने दोस्तों के साथ है तो फिर ये हमसे शर्माता है, अकेला होता है तो ये हम पे चढ़ा जाता है। और ये रहा नंदन। नंदन आज पहले से बहुत बेटर फील कर रहा है। ओके, हे जो, आज मेरी हेल्प करेंगे साहिल और जो, क्योंकि इतने केसेस हैं कि मैं ना मैं सारे नाम याद रख पा रहा हूँ ना सारी केस हिस्ट्रीज। ये जो ब्लैक एंड वाइट बछड़ा है, ओके, इसका क्या केस है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये शाहपुर से है, शाहपुर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है तो बिल्कुल जो हमारा जो दायरा है रेस्क्यू का बिल्कुल उसकी लिमिट पे है। इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसके पैर पे वुंड है, इसका नाम जो इसका नाम अभी हमने रखा नहीं। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट काफ है इसका नाम आप सजेस्ट करिए और आप ये बताइएगा कि ब्लैक एंड वाइट काफ का नाम ये रखिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी, अच्छा, ये तो फर्राटा जैसा ही है इसका भी, लेकिन ये इसकी भी अभी फर्राटा हाल ही में रिलीज हुआ था, इसकी भी ऐसे ही एक रेसिंग स्ट्राइप है। ये कल आया, ये चाहिए तो वो जो दौलतराम लेके आया, ये धर्मशाला से आया, धर्मशाला हमारे एरिया के बाहर है बट वहाँ पे ऐसी कोई, इनफैक्ट 100-150 किलोमीटर तक गाय को ऐसे रेस्क्यू करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। इसका खुर बिल्कुल उखड़ चुका है, इसका भी कोई नाम नहीं है। तो अब दो हो गए जिनका आपने नाम देना है। इसका नाम केचप है, इसको पैर में नर्वस डैमेज है, ये डार्क चॉकलेट का ही बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, मेल और फीमेल। ये डार्क चॉकलेट की बड़ी बहन जैसी दिखती है, इसकी इम्प्रूवमेंट जो भी है बड़ी ग्रेजुअल होगी। क्या, कैन यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग प्लीज, थैंक यू। सॉरी, आज थोड़ा केओटिक रहेगा क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा हैं, शोर बहुत ज़्यादा है, हर कोई बहुत बिजी है। ये जो गधा है, अब आप देख रहे हैं मैं इसको क्यों कह रहा था गधा,
ये ड्यूड है, वी कांट वेट कि भाई ये यहाँ से जाए। इसका हाँ, ये सेंट बर्नार्ड का, ये इसका जहाँ तक मुझे बताया गया कि ये इसका टिपिकल बिहेवियर है कि ये सड़ियल टाइप है और इसकी चुनिंदा लोगों से दोस्ती रहती है। ये कूल कैट जो है इसका नाम टोफू है। ओके, और इन्होंने जिसने एक पैर में जूता पहन रखा है इसका नाम क्या है? ये मारुति है। इसके पैर में चोट लगी हुई है, ये वो तो नहीं है ना जो तीन, ये वो है जिसको तीन भाई कहाँ से लाए थे? ओके, इसको तीन भाई छतरी से लाए थे। इसके दोनों पैर में नहीं होना चाहिए जूता? नहीं, तो साहिल कह रहा है कि इसका एक बूंद जो है वो छोटा सा है और उसमें जूते की आवश्यकता नहीं है। अब इस समय देखिए राधा क्या कर रही है। राधा ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रही है, रेस्क्यू कॉल्स भी हैंडल कर रही है, और साथ ही में पूरा, अब जितने लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनको लगता है जो हमारी रेस्क्यू लाइन है ऑल इंडिया हेल्प लाइन है। तो हमें तरह तरह के फ़ोन आते हैं, मेरे पेट के साथ ये हो गया, मैं क्या करूँ, और मतलब किसी भी तरह के सवाल आते हैं, और जो हमारी रेस्क्यू कॉल्स हैं वो इस चक्कर में छूट जाती हैं, क्योंकि जहाँ हमें दिन की 5 से 10 रेस्क्यू कॉल्स हैंडल करनी होती थी, इस समय हम 100 से 150 कॉल्स हैंडल कर रहे हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम कोई हेल्पलाइन नहीं है। एनीवे, इसका क्या नाम है? ये कल आई है, इसका कोई नाम नहीं है। राधा आप बताओगे इसके साथ क्या हुआ है? अच्छा, ये रितु चौधरी। ओके, रितु हमारी धर्मशाला की फ्रेंड है, रितु ने हमें बेजल भी गिफ्ट किया था, तो ये कॉल उन्होंने किया है। तो कल ये पालमपुर गए हैं पहले, तो पालमपुर में क्या है इसका स्टेटस, क्या बताया गया? अमित गया था कल इसको लेके ना, तो अमित बताएगा। सर इसका एक्सरे हुआ है और इसका जो फीमर है वो काफी टाइम पहले एक्सीडेंट में टूटा हुआ, तो जो हील्ड हो चुका है। अच्छा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है फिर? ट्रीटमेंट सर जो इसका बूंद हुआ है इसका ट्रीटमेंट होगा, बाकी फिर इसके बाद से ये रिलीज हो जाएगा। हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसका भी कोई नाम नहीं है, तो अब तीन हो गए जिनका आपने नाम हमें बताना है। ओके, ये कौन है? जो ये कोलगेट है, कोलगेट का एक दांत टूटा हुआ था, तभी जाहिर सी बात है इसका नाम कोलगेट रखा गया है, और पैर में चोट है। राइट, दैट्स ऑल, अगेन एक्सीडेंट। और ये वो है जो वेरोनिका ने भेजा है, भेजी है। इज दिस वाज बाय वेरोनिका। अब मेरे साथ ये जो मेरे सहकर्मी हैं, साहिल है जो बीच बीच में गायब हो रहा है, और जो भी चीज़ें भूल रही हैं, तो मैं आपको अपडेट इसका तो नहीं दे पाऊंगा, मुझे लग रहा है, सॉरी, मुझे इसका केस नहीं पता। ओके, वेल वी हैव टू कीप इट अनएडिटेड, लेट्स कीप मूविंग। काउशेड में कोई है क्या? ओके, तो काउशेड में ये दिनेश है, दिनेश रेस्क्यू नहीं है, दिनेश रेस्क्यू में हेल्प करता है। इस समय सारे काउशेड की क्लीनिंग हो रही है। दिनेश एग्जॉस्ट ऑन कर लो यार, एग्जॉस्ट ऑन कर लो, नहीं आपके लिए दिक्कत है। ओके, इसके या मीमी, आई गॉट मीमी। ओह, पीछे डार्क चॉकलेट की शरारतें चल रही हैं। वी हैव द नेम नाउ। ओके, ये वेरोनिका ने भेजी थी, वो है। ओके, ये वेरोनिका ने पालमपुर में हमारी थोड़ी हेल्प की थी इसके साथ, और इसका नाम बेचारी है। इसका क्या केस क्या है राधा? ओके, इसका एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर है, और जस्ट हील होने की वेट हो रही है। तू बीच में गायब हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब ये हम लार्ज एनिमल एरिया में थे, अब हम डॉग एरिया में चलते हैं। चलो 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 चलो, ओके। ये जो है डॉक्सी, ये थोड़ी मूडी है, इसने मुझे काटने का प्रयत्न भी किया था उस दिन, खैर गलती मेरी है, मैंने उंगली केज में केनल में
अपनी डाल दी थी। इसका नाम डॉल्फिन है, इसको हम प्यार से डॉली कह रहे हैं। ये डग है, डग का जो वूंड है, ओहो यहाँ तो बड़ा अंधेरा हो गया अंदर। डग का जो वूंड है ओके, तो डग का पिनिंग हुई थी एक्सीडेंट के बाद, जो इसने अपने स्टिचेस हैं वो खोल दिए थे क्योंकि ये कोन तोड़ देता है। बट इसका लेकिन जो आप पीछे वूंड देख पा रहे हैं वो काफी अच्छे से हील हो रहा है बिना कोन के ही। ओह हु इज दिस हस्की लुकिंग डॉग, इसका भी नाम नहीं है इसका। व्हाट इज द केस? सो शी हैज अ वूंड ऑन हर बैक साइड एंड वी थिंक शी हैड पपीज बट दे आर ऑल डेड। ओह नो, तो इसकी पिछली साइड एक वूंड है, आई कांट सी द वूंड नियर द एनस। एनस ओके, इसका जो वूंड है पीछे एनस के पास है, तो अंदर तो मैं जा नहीं रहा। इसके बच्चे हुए हाल ही में, पर एक भी इसका बच्चा बचा नहीं, मतलब जाहिर सी बात है कि लोगों ने इधर उधर कर दिए या मार दिए। और काफ़ी प्यारी है। तो अब ये फोर्थ एनिमल हो गया जिसका आपने नाम देना है। दिस इज लोमड़ी, ये लोमड़ी है। व्हाट्स लोमड़ी? तो देन दिस इज लोमड़, नॉट लोमड़ी। इसका नाम लोमड़ी रख दिया गया, पर इसका नाम है ये लोमड़। इसके यू सेड ऑन द हेड, ऑन द लेग, इसकी टांग पे वूंड है, और आई थिंक वो वूंड तो हो गया, नाउ वेटिंग फॉर स्टरलाइजेशन। इसकी सर्जरी होगी और ये जाएगा। ये क्या मेडिटेट कर रहा है क्या? कैन यू ओपन द कैनल? ओह देयर इज नो कैनल ओपन राइट नाउ। हे हे लोमर, इसका कलर भी कितना अच्छा है, परेशान मत हो। सॉरी तेरी मेडिटेशन भंग सी कर दी मैंने। हाँ, इट्स लाइक acting all guru like. Okay. Oh, who's this handsome? Oh, इसका नाम देवदास है। इसकी कहानी sad है। किसी ने इसको इतना मारा, उन्होंने इसको मारने के लिए मारा, मरो ने काम तो खत्म नहीं किया, पर इसका एक पैर तोड़ दिया और दूसरे पैर में इसकी इंजरी है। वो इंजरी ठीक हो गई है, और दिस इज नॉट पिनिंग दो राइट, दिस इज फ्रैक्चर्ड। ओके, आर यू टेलिंग मी टू शट अप? ओके, ये रिंकी है। रिंकी मेरी फेवरेट है इस समय यहाँ पे जो रेस्क्यू है इसके। ये अगेन एक अबैंडन पेट है, तो किसी ब्रीडर ने रखा होगा इसको, और जब अब काम हो गया तो निकाल दिया। इसके पीछे मैगेट वूंड है, और ये संजय जी को मिली थी, इसका रेस्क्यू किसी ने कॉल नहीं किया था। शी इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली। ओके, अब अडॉप्टेबल्स में आ जाते हैं, टेटर और टॉट। अब आप देखेंगे कि सारे एनिमल्स की जो हेल्थ है थोड़ी डाउन लग रही है, बिकॉज जहाँ पे 40 एनिमल होने चाहिए वहाँ लगभग लगभग 60 एनिमल हो गए हैं, तो दैट्स वाई। एंड देन ये यहाँ पे इतने टाइम से स्टक हैं, ना डॉग वॉक्स हो रही हैं क्योंकि वॉलेंटियर्स हमारे पास है नहीं, ना अडॉप्शन हो रही हैं, तो लॉकडाउन की वजह से सभी को समस्या है, इसमें जानवरों को भी है। ये फीनिक्स है, फीनिक्स जब आई थी एकदम शट डाउन थी, डरी डरी रहती थी, तब इसके साथ एक वॉलेंटियर थी लॉरा, उसने भी बहुत काम किया, जो ने भी बहुत काम किया, और अब ये काफी फ्रेंडली है। हे फीनिक्स, क्यूट फीनिक्स। ये टक्स है पीछे, टक्स को हील हुए बहुत टाइम हो गया, टक्स भी अडॉप्टेड है, टक्स भी घर जाने की वेट कर रहा है। और ये जो ये थी ना, ये जो पीछे तीन पैरों पे उछलती हुई गई है, ये एथीना है। इसके अलावा एक पीछे गट्टू है, मैं उससे मिलने जाता हूँ, पर ये मुझे ओके सॉरी। तो हमें रिंकी को अंदर करना होगा, फिर ये अडॉप्टेबल वाला एरिया खुलेगा, फिर मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। कैन यू ओपन? नो नो, आई एम जस्ट गोना गो। हे मंकीज, ये पीछे गट्टू है। आई डोंट नो ये गट्टू इस समय केनल में क्यों है। I know why, but why is he in the kennel? Okay, तो ये kennel में इसलिए क्योंकि ये सब इस पे थोड़ा gang up कर जाते हैं। ये बेचारा छोटू सा है, इसका इसकी भी pinning हुई थी, इसका हमने video बनाया था, अब ये heal हो चुका है। Okay, अब हम चलते हैं chicken areas में, chicken area में। Hey, oh, is that okay? Everybody. Sorry, ये right. ये सारे बदमाश इस एरिया में आ गए हैं। Do you need help? Maybe. Hey, I can grab that, yeah. And then I will see you
in the chicken area. Hey! yeah, I'm not gonna let them this time though. Hey! Okay, see, अब ये unedited video का ना यही चक्कर है. Can you open the door? Tux, come on, don't be, you know, what I can't call you on video. Yeah, exactly. Thank you. Okay, sorry, थोड़ा सब ओवर एक्साइटेड हैं. एक पेंट अप एनर्जी है. उस दिन हमें एक ट्रेडमिल डोनेट की गई है, तो अब हम इन डॉग्स को जैसे जैसे ट्रेडमिल पे यूज टू करा के वहां पे इनको एक्सरसाइज कराएंगे. ओके, अब हम चिकन एरिया में चल रहे हैं. उसके बाद अगर वो लोग बाहर हुए मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, और फिर उसके बाद जो हमारा पीछे रेजिडेंट काउ शेड है वहां पे. हे वेनी, या इट्स ऑल वेरी एक्साइटिंग गर्ल. ओके, इनसे थोड़ा मुझे ध्यान ही रखना पड़ेगा, ये लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं. विनी देखो पड़ेगी ना इनसे. फिर विनी को उस दिन इन्होंने काटा भी है. हे हे हे, ये है मटको और ये है लैला. ओके ओके ओके, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव पोजेसिव अबाउट देयर एरिया. तो इतना ही मैं आपको करा सकता हूँ फिलहाल तो. ओके दौलत राम जी, क्या कर रहे हो खेत में? तो अब की बार पता नहीं क्या हुआ है, पूरे हमारे इस एरिया में जहां पे भी मिर्चियां लगी हैं ये सारी मिर्ची सूख गई है. सिर्फ हमारे खेत में नहीं, आसपास वालों के खेत में भी यही हो रहा है. बिंद्रेश के अपने घर में भी यही हो रहा है. या तो मौसम अब की बार फर्क है, कह नहीं सकते. तो अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा होगा, आइडिया है तो बताइएगा. चलो विनी चलो. खैर, तो कल हमारा एक लाइव सेशन भी होगा, तो वो होगा 12 बजे दोपहर में. तो अगर आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो पूछिएगा. वैसे मुझे रिकमेंडेशन ये आई है कि सवाल जवाब लाइव में करने की बजाय हम इस तरह करें कि लोगों से सवाल हम पहले इकट्ठे कर लें किसी पोस्ट पे और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डालें, क्योंकि लाइव में कई बारी नेटवर्क इश्यूज भी होते हैं और कई बारी जो है सेम ही सवाल को बड़ी बारी आंसर करना पड़ता है, क्योंकि लोग अलग अलग टाइम पे जुड़ते हैं. बाय द वे, मैं काउंट नहीं कर रहा कि कितने एनिमल्स मैंने आपको मिलवा दिया है, तो आप लोग आई होप कि काउंट करेंगे. एक सेकंड, जो भी आ रही है. हे, द कीज इन द गेट. ओके सॉरी, आज थोड़ा मौसम भी ऐसा है, थोड़ा हौज पौज हो रहा है. ये देखिए, ये ग्रीन हाउस में तोरी लगी हुई है. तोरी का कोई मतलब तो नहीं है ग्रीन हाउस में, पर ये खुद से निकल आई है. ओ मिस्त्री साहब नमस्ते. ये मिस्त्री साहब हमारे साथ शुरू से हैं, दिसंबर 2014 से, तब से लेके आज तक कंस्ट्रक्शन चल रही है. इनके साथ जो हेल्पर हैं वो बदलते रहते हैं. तो ये जो है ये बिंद्रेश और दौलत राम का घर चल रहा है, बन रहा है. ओके, वो रहा चार्ली. आई डोंट नो कि संजू कहाँ पे है. वेयर संजू? Did somebody steal Sanju? ये रहे बूली बूली. अब एक्चुअली क्या है कि अब हम आ रहे हैं रेजिडेंट काउ शेड में, लेकिन हमारे को कुछ रेस्क्यूज यहाँ पे भी मूव करने पड़े हैं, क्योंकि भैया जगह ही नहीं है. मैं आपको बताऊं कि हमने इस समय जगह ढूंढ रहे हैं हम एक काउ शेड बनाने की, पर जब तक वो नहीं होता. Oh, that's why he's crying because Sanju is not here. और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इस समय मिसमैनेजमेंट भी हो रही है, क्योंकि जानवर ज़्यादा हैं, स्टाफ कम है, जो एनिमल वेलफेयर मैनेजर है उसको कम्युनिकेशन भी मैनेज करनी पड़ रही है. तो हमें और लोग चाहिए, पर लॉकडाउन की वजह से लोग भी नहीं हायर हम कर सकते. ये बेबी है, ये नैनो है. नैनो बेबी से मेरी बड़ी बनती थी, पर जब से उसने नैनो के साथ हैंग आउट करना शुरू किया है वो थोड़ा रूड हो गई है. किंग मेरा फेवरेट है. किंग इज सच ए जेंटल बॉय. किंग और मैंने उस दिन अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाला था. ओके, ये रहा चार्ली हॉर्स. ये है तो खच्चर, पर इसका नाम हॉर्स है. अब ये इस समय परेशान इसलिए है कि इसका जो मित्र है संजू वो यहाँ पे कहीं नजर आ नहीं रहा. आर यू श्योर नोबडी स्टोल संजू?
ओके संजू इज इन हेयर। चलो चार्ली, चलो 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 चार्ली। ये खच्चर कार्ड भी लेते हैं तो ये भी आप ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि बड़े प्यारे हैं। ये रहा सुंदर सुंदर हमारा ब्लाइंड रेजिडेंट बुल है। कई बार मैं इसको गोल गोल घूमते देखता हूँ तो सोच रहा हूँ किसी कोलू में ही लगा देते तो तेल तो निकल आता, अभी तो सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। ओके ये रहा संजू हूज दीवानी। ओके ये गाय आई है, इसके पीछे देखिए बड़ा भयानक सा एक वूंड है, इसका नाम दीवानी है। ये मुझे नहीं लगता क्रुएलिटी है, हुआ क्या हुआ, गाड़ी ने मारा होगा। ये देखिए ना इसको, जैसे सामने से गाड़ी ने टक्कर मारी, बेचारी गिरी और जहाँ भी इसको चोट लगी। तिन कैन यू इंट्रोड्यूस ऑल दीज टू। ओ ये नीलकंठ है, इसका तो मुझे नाम पता था। इसके गले में किसी ने रस्सी बांधी हुई थी और ऐसे छोड़ दिया था तो इसके गले में बड़ा गहरा सा वूंड है। इसने उस दिन मुझे मारने का प्रयत्न किया है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। ए भाई ऑलमोस्ट हील हो चुका है, जो कह रही है दिस इज दुर्गा, सॉरी ये दुर्गा है और दुर्गा के साइड पे बूंद है। जो साइड वाले बूंद है या तो ये होता है भाई किसी की कांटे वाली तार में फंस के लग गया, या होता है भाई किसी ने गुस्से में दरात मार दिया। अगेन सेम बूंद, सिमिलर बूंद। इसका नाम क्या है? इसका भी नाम नहीं है तो आप इसका नाम बताइएगा, तो आप बताइएगा कि भाई दुर्गा के बाद जो आपने बैल दिखाया था हु वॉज लिकिंग हिज बॉल्स, उसका हम ये नाम सजेस्ट कर रहे हैं। ओके तो अब दैट कंक्लूड्स ऑल दी एनिमल्स यहाँ पे। इसके अलावा हमारे रेजिडेंट एनिमल्स हैं चिली, चंबी और स्पॉट, तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। पर मैं एक बार देखूँ, ओके अभी तो 20-21 मिनट का वीडियो हो गया। तो चिली, चंबी, स्पॉट मैम आपको मैं बस बता ही देता हूँ, तो अब आप गिनिएगा कितने जानवर हैं, प्लस चिली है, चंबी है और स्पॉट है जो इस समय ऊपर होते हैं। क्योंकि है क्या, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आउट पेशेंट्स वगैरह ज़्यादा आते हैं और वो लोग जो हैं वो हमेशा भागने के चक्रों में रहते हैं, बाहर वाले कुत्ते हमेशा अंदर आने के चक्रों में रहते हैं। आई थिंक ये जो इंसान की प्रवृत्ति है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ये सिर्फ इंसान की नहीं है, जानवरों की भी है। जो हमारे पास नहीं है हमें वही चाहिए होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल लाइव सेशन पे मिलते हैं।